तैयार की यातायात में पार्किंग व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए डिप्टी मनीष चौधरी की ओर से चलाए जा रहे अभियान के दौरान सोमवार को यातायात प्रभारी परमेश्वर की ओर से श्री थाने के बाहर खड़ी एक वकील की इंटरलॉकिंग करने के मामले ने तूल पकड़ लिया। वकील की कार के इंटरलॉकिंग करने की जानकारी मिलते ही बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों तथा वकील साथियों ने न्यायालय परिसर के सामने रास्ता जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान वकीलों ने न्यायालय परिसर का मेन गेट भी बंद कर दिया। विरोध प्रदर्शन के दौरान वकील यातायात प्रभारी द्वारा वकील की कार के इंटरलॉकिंग करने का विरोध करते हुए चालान को निरस्त करने की मांग कर रहे थे। इस दौरान सभी वकील साथी पुलिस प्रशासन के खिलाफ भी हाय हाय के नारे लगा रहे थे। इस दौरान लंच पर घर जा रहे डिप्टी मनीष चौधरी को वकीलों ने घेर लिया। इस दौरान डिप्टी चौधरी अभिभाषक संघ कार्यालय पहुंचे और वकीलों से बातचीत की। बातचीत के दौरान वकीलों ने बताया कि वकीलों का दिन में कई बार थाने आने जाने का काम रहता है। इस दौरान उनके वाहन थाने के बाहर ही खड़े होते हैं। अगर ऐसे में दिन भर में जुर्माना किया जाएगा तो कैसे बात बनेगी। वार्ता के दौरान डिप्टी चौधरी ने वकीलों की बात पर सहमति जताते हुए भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होने का आश्वासन दिया। इस दौरान न्यायालय परिसर की पार्किंग व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए यहां पर भी एक होमगार्ड का जवान तैनात करने पर सहमति बनी। जानकारी के अनुसार ब्यावर संघ सदस्य एडवोकेट इजराइल सोमवार सुबह किसी काम से श्री थाने गए थे। इस दौरान वे अपनी कार थाने के बाहर ही खड़ी कर भीतर चले गए थे। इस दौरान वहां ड्यूटी पर तैनात यातायात प्रभारी परमेश्वर ने कार की इंटरलॉकिंग कर दी। इस दौरान जब वकील इजराइल थाने से बाहर आए तो यातायात प्रभारी ने उनका चालान बना दिया। इस पर दोनों में कहासुनी हो गई। थाने से न्यायालय पहुंचे एडवोकेट इजराइल ने साथ ही वकीलों को घटनाक्रम से अवगत कराया तो सभी ने इसका विरोध करते हुए न्यायालय परिसर के बाहर रास्ता जाम कर प्रदर्शन शुरू कर दिया। बार एसोसिएशन अध्यक्ष हनुमान सिंह राठौर ने बताया कि वकील साथी की कार के चालान को लेकर पुलिस के साथ विवाद हो गया था। विवाद को लेकर सौहार्दपूर्ण वातावरण में सहायक पुलिस अधीक्षक से वार्ता की गई जिसमें चालान को निरस्त करने की कार्यवाही को अंजाम दिया गया जिसके बाद विवाद खत्म हो गया। हमारे सम्मानित साथी इजराइल जी वकील साहब का चालान को लेकर अधिवक्ताओं और उप अधीक्षक महोदय के मध्य कुछ वाद विवाद हो गया था जिसको दोनों पक्षों ने समन्वय से निपटारा कर लिया है। कुल डिप्टी साहब ने आश्वासन दिया है कि भविष्य में अधिवक्ताओं के विरुद्ध किसी प्रकार का कोई गलत चालान नहीं बनाया जाएगा और साथ ही उन्होंने आज के अपने व्यवहार के लिए बार रूम में रोष भी खेद भी प्रकट किया है और अब प्रकरण पूर्णतः निस्तारित। वो अधिवक्ता की गाड़ी नो पार्किंग में नहीं थी फिर भी पुलिस वालों ने बिना उनसे उचित अवसर दिए चालान बना दिया जिसे निरस्त कर दिया गया। किसी के कटा था चालान पुलिस थाने के सामने।